नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको एक और ट्रिक बताएंगे जो कि योग पर आधारित है, जोड़ पर आधारित है। कभी कभी क्या होता है कि सेम डिजिट आपको दिया जाता है बहुत ज़्यादा बार, तो उसको हम कैसे ऐड करेंगे बहुत जल्दी, दो सेकंड के अंदर। वैसे तो आप ऐड कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन है, 8 देखिए दिया गया, 8888888 4x8 and 5x8। वैसे तो आप कर लेंगे, बाकायदा लिखेंगे फिर उसको करेंगे। बस हम आपको ट्रिक बताएंगे इसमें किस तरीके से आप ट्रिक से इसको जो है सिर्फ दो सेकंड में इसको ऐड कर सकते हैं। कोई भी डिजिट हो, अगर वो रिपीट कर रहा है बार बार, तो उसके लिए देखिए ट्रिक क्या कहती है। ट्रिक ये है, देखिए 8 2x8 3x8 4x8 5x8। तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ सोचना ही नहीं है, सिर्फ लास्ट वाला देखना है ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार वो अंक दिया गया है। देखिए कितनी बार दिया गया, 5 बार दिया गया। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसमें 5 का गुणा कर देना है। देखिए पहले 5 का इसमें गुणा करेंगे, 5 8 40 की बिंदी, 40 का 0 आएगा, हासिल कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, 5 का पहले गुणा किया, आप कितना करेंगे, 4 का, 4 8 32, 32 और 4 36, 36 की 6 हासिल 3। अब 5 का गुणा किया, फिर 4 का किया, आप 3 का करेंगे, 3 8 24 24 3 27, 27 की 7 हासिल 2। 5 का किया, 4 का किया, 3 का किया, आप 2 का करेंगे, 2 8 16 16 2 18 की 8 हासिल 1। अब किसका करेंगे, 1 का, 1 8 8 8 और 1 9। देखिए कितनी जल्दी आप कर सकते हैं इसका गुणा। मैंने आपको समझाया है, इसलिए टाइम लगा है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि उस सवाल में ज़्यादा से ज़्यादा बार जो है अंक कितनी बार आ रहा है, वो वाला पकड़ लेना है। हमने देखा है कि यहाँ 2x8 3x8 4x8, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है 5x8। बस उसको हमें गुणा कर देना है, पहले 5 से गुणा कर देना, फिर 4 से, फिर 3 2 1, बस आपका आंसर आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल देखिए फिर आप समझ जाएंगे। इस एग्जाम्पल को देखिए, क्या दिया गया है, 4 एक बार दिया है, 2 बार दिया है, 3 बार दिया है, 4 बार दिया है, फिर 5 बार 4 दिया है। तो हम सबसे ज़्यादा बार देखेंगे, सबसे ज़्यादा बार वो अंक कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है। बस इसको हमें गुणा कर देना, कितनी बार दिया गया है सबसे ज़्यादा बार, 5 बार दिया गया है। तो हम पहले 5 का गुणा करेंगे, फिर 4 का, फिर 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। कुछ नहीं, देखिए कितनी फास्ट करेंगे आप, पहले 5 का कर दीजिए, 5 चक्कू 20 20 की 0 हासिल 2। फिर 4 का करेंगे, 4 चक्कू 16 2 18 की 8 हासिल 1। अब 3 का करेंगे, 3 चौके 12 1 13 की 3 हासिल 1। 2 का करेंगे, 2 चक्के 8 1 9। और बस 1 का कर देंगे, 4 आपका आंसर आ गया है। समझ रहे हैं ना, समझ गए ट्रिक, प्रैक्टिस घर पे करिए, मैंने आपको ट्रिक समझा दी है। कोई भी डिजिट जो है कितनी बार भी रिपीट हो रहा है, आपको जो पकड़ना है वो उठाना है कि सबसे ज़्यादा बार कितनी बार आ रहा है। बस उसमें आपको, यहाँ 5 बार आ रहा था, अगर 6 बार आ रहा होगा तो कुछ नहीं, पहले हम 6 का गुणा करते, फिर 5 का 4 का 3 का 2 का 1 का। अगर 8 बार आ रहा होता कोई भी डिजिट, बस वही रूल वही आपको फॉलो करना है। अगर 8 बार आ रहा होता तो हम पहले क्या करते हैं, 8 का 7 का 6 का 5 का 4 का 3 का 2 का 1 का। बस ये ट्रिक है, आप समझ गए होंगे ये ट्रिक। चलिए अब इसी पर बेस्ड एक और टाइप में बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि जो है सवाल पॉइंट में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको आया है, आ गया इस तरीके का सवाल है, 0.6 0.666 plus 0.666 plus 0.4 times 6, इस तरीके का आ गया। पॉइंट में अगर आता है तो आप कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस आपको 2 सेकेंड देने हैं, आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, जब पॉइंट में दिया होता है तो रूल वही फॉलो करना होता है, बस उसका अपोजिट कर देते हैं। देखिए पहले तो हम देखेंगे जो है सिक्स आ रहा है, पहले 1 बार 2 बार, सबसे ज़्यादा कितनी बार आ रहा है सिक्स, सबसे ज़्यादा 4 बार आ रहा है, बस हम इसी को पकड़ लेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, देखिए पहले डिजिट में 1 का गुणा कर देंगे तो क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। अब दूसरे डिजिट में 2 का गुणा कर देंगे, उसमें हम क्या करते थे, उल्टा करते थे, उसमें बड़े से मतलब जितने टाइम्स आता था, 4 टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर पॉइंट ना लगा होता, ये कितनी बार आ रहा है, 4 बार 6 आ रहा है, तो पहले हम क्या करते, 4 का गुणा करते, 3 का 2 का 1 का। और इसमें पॉइंट वाला सवाल है तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, 4 बार आ रहा है तो 1 का गुणा करेंगे, 6 ही रहेगा। 2 का 2 छंगे 12 की 2 हासिल 1, 3 का 3 छके 18 1 19 की 9 हासिल 1, 4 का 4 छंगे 24 और 1 25, आपका आंसर आ चुका है। 4 डिजिट बाद आप पॉइंट लगा देंगे, देखिए कितना फास्ट आप कर सकते हैं। और एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपको आया है
0.77 प्लस 0.77 प्लस 0.77 प्लस 0.7, ये आया है, इसको आपको ऐड करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको ट्रिक पता है, पॉइंट वाला सवाल है। तो बस हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा बार जो है कहाँ पे आ रहा है सात, सबसे ज़्यादा बार यहाँ पे आ रहा है, जो कि चार बार आ रहा है। कितनी बार आ रहा है? चार बार आ रहा है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, गुणा कर देना है। इसमें किसका गुणा करेंगे? एक का, सात ही रहेगा। इसमें किसका करेंगे? दो का, दो सत्ते 14 की 4 हासिल 1। इसमें तीन का, तीन सत्ते 21 एक 22 की 2 हासिल 2। इसमें चार का, चार सत्ते 28 और 2 30। आपका आंसर आ चुका है, चार अंकों बाद दशमलव लगा देंगे। समझ रहे हैं ना? समझ गए, पॉइंट में दिया है तो कैसे करेंगे? एक से शुरू करेंगे, एक का गुणा, दो का गुणा, तीन का गुणा, चार का गुणा। अगर पॉइंट में नहीं दिया गया है तो उल्टा करेंगे, कितने बार वो संख्या दी गई, कितनी बार वो अंक दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल 5 बार दिया गया तो 5, 4, 3, 2, 1। तो ये ट्रिक रही हमारी जोड़ने से संबंधित। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, बताइए कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।